हूं सुरेश। हमारा YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो आपको जानकारी चाहिए। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपके पास अगर MI मोबाइल है तो आपको ये जानकारी ज़रूर जानना चाहिए। अगर मोबाइल आपका गुम हो गया है, कोई चोरी ले गया है, तो आप उसको ट्रैकिंग करके ढूंढ सकते हैं। कोई दूसरा लैपटॉप में ढूंढ सकते हैं या कोई मोबाइल पे आप इंटरनेट कनेक्शन है तो आप उसको ढूंढ सकते हैं, आपका मोबाइल कहाँ है। अगर आपका मोबाइल गुम हो गया है, क्या चोरी ले गया है, तो वो क्या करेगा, सिम फेंक देगा। लेके सिम तो आपका रखने वाला नहीं है, सिम को फेंक देगा। वो सिम फेंकने के बाद वो अपना सिम पकाएगा, और एंड्रॉयड मोबाइल आपका तो है, MI का तो एंड्रॉयड मोबाइल है, तो वो क्या करेगा, इंटरनेट कनेक्शन करेगा। जब इंटरनेट कनेक्शन करेगा तभी उसको आप पता लगा सकते हैं आपका मोबाइल कहाँ है। अगर आप MI मोबाइल यूज करते हैं तो आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट यही है MI का कि MI अकाउंट तो जानते हैं, आपको मालूम है MI अकाउंट जरूर बना लेना दोस्तों। अगर नहीं पता है तो मैं अगले एक वीडियो में बनाऊंगा कैसे MI अकाउंट बनाते हैं। MI अकाउंट में बनाने के बाद आप अपना मोबाइल को ट्रैकिंग कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कहाँ है। फिर क्या करना है, अपनो MI क्लाउड एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप अपना मोबाइल ढूंढ सकते हैं। मैं पूरी वीडियो बताऊंगा कैसे, वीडियो आगे आखिरी तक देखते रहे दोस्तों, मैं पूरी जानकारी दूंगा कैसे ढूंढ सकते हैं, आप उसको लॉक भी कर सकते हैं। पहले चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा के ऑल को क्लिक कर देना। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्रोम में जाना पड़ेगा। क्रोम में जाने के बाद आपको MICCLOUD क्लाउड लिखना है। मी क्लाउड लिखने के बाद सर्च कर देना है, सीधा ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये देखिए, इस पर क्लिक करना है। Xiaomi क्लाउड जहाँ पे लिखा हुआ है वो क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, विथ मी अकाउंट लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको ये प्लस में 1 जो लिख रहा है, यहाँ पे इंडिया सिलेक्शन कर देना है। इंडिया सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका मी पासवर्ड दिया हुआ है, पहला मी आईडी होगा या नंबर होगा, आप नंबर पे खोलेंगे तो नंबर लगाएंगे, यहाँ पे नंबर लिखिए, नंबर लिखेंगे, नंबर में एक नंबर लिख रहा हूँ, मेरा फ्रेंड का नंबर है। ये नंबर लिखने के बाद आपको लॉगिन विथ पासवर्ड में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद ये आपका खुल गया। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट आप देख सकते हैं, कितना कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे मैसेज आपका शो कर जाएगा। ये आपको फाइंड डिवाइस जो लिखा हुआ है यहाँ पे सीधा टच करेंगे, ये आपका मोबाइल कहाँ है लोकेशन दिखा देगा। अभी ये मोबाइल देखिए, ये दिखा रहा है ये वाला ऑप्शन, इसके हाइब्रिड पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा मैप आ जाएगा, आप ढूंढ सकते हैं। रेडमी 6 मोबाइल है ये मोबाइल, इसको मैं ढूंढ रहा हूँ अपना MI आईडी देके। यहाँ पे देखिए ये मोबाइल कहाँ पे, पूरा एड्रेस बता देगा मैप के थ्रू। मधुबन रोड दिखा रहा है, ये इसी पर्टिकुलर जगह पे है मोबाइल है। अगर वो मोबाइल नेट कनेक्शन वो करेगा, अगर सिम फेंक देगा तो भी चल जाएगा, अगर वो कोई दूसरा सिम पका के अगर इंटरनेट कनेक्शन करने की कोशिश करेगा तो ये चला जाए। आपको दूसरी बात, वो मोबाइल की ढूंढने की तरीका देख लीजिए, आप उसके पास पहुंच जाएंगे तो उसको बोलेंगे कि मेरा मोबाइल गुम हो गया, वो बात नहीं है। ये एक साउंड का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्ले साउंड पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए मोबाइल, फिर ये ओके क्लिक साइलेंस कर देगा जब वो बंद हो जाएगा। ये एक लॉस्ट मोड है, इसको अगर दबा दिया तो मोबाइल बेकार पूरा। ये लॉस्ट मोड पे अगर क्लिक कर देंगे ये मोबाइल पूरा ऑन ही नहीं होगा, उससे आगे जा ही नहीं सकेगा। उसके लिए एक सॉल्यूशन है, अगर आप गलती से आपका आईडी खोले हैं, लॉस्ट मोबाइल मोड लगा दिए हैं, तो आप क्या करना है, लीगल डॉक्यूमेंट जो आपका मोबाइल का बिल है, इनवॉइस है, उसको लेके जाना है कहाँ पे, आपका MI
जो स्टोर है, एमआई स्टोर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अपना एक आधार कार्ड या पैन कार्ड एक डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसी नाम पर बिल बना हुआ है उसी नाम पर बिल बना हुआ है आप उसको लेके जाना है और उसको एमआई स्टोर में दाखिल करने के बाद वो लोग सिस्टम में खोलेंगे आपका आईडी, वरना कोई नहीं खोल सकता आपका मोबाइल। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक और कमेंट करके बताना, मैं अगले बार आपके लिए और भी टेक्नोलॉजी वीडियो रिलेटेड लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।